मैं आपके बीच में 5-7 मिनट खड़ा रहूंगा ना, वो तो मेरे को भी पता कितनी देर है ना, पर कम से कम अपनी मार्केट वैल्यू तो चेक कर रहे हैं अपन। हमें आवाज नहीं आ रही, आवाज मेरी कोई गलती नहीं, मेरी आ रही है जिनकी। भैया बढ़ा दो, थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, आ रही है अब आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। राहत साहब को हमें सुनना है, और ये बात जब से प्रोग्राम शुरू हुआ तब से यही कहा जा रहा है कि राहत साहब को सुनना है, राहत साहब को सुनना है, राहत साहब को सुनना है। कमाल कर रहे हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, दो बातें बहुत ज्यादा कही गई, एक तो राहत साहब को सुनना ही है, और एक प्रोग्राम जब शुरू हुआ तब सर बहुत चौकसे साहब वगैरह और सारे हमारे भाई साहब संचालक ये बहुत बड़े भावुक हो गए थे, बोले मेरे छोटे से निमंत्रण पे, हमारे निमंत्रण पे राहत साहब और बड़े बड़े कवि शायर यहाँ पे आ गए। देखो ऐसा कुछ भी नहीं, जिसने जितने मांगे इतने दे दिए तो आ गए, इसमें कौन सी नहीं। ये सामान्य सी बातें हैं, और मैं बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं। आ जाइए आप, हर एक शायर के बीच में 5-10 जने जा रहे उठ के, एक आदमी बैठे और 10-20 फिर जा रहे हो। आप आपको जाना है, आप एक एक करके जाइए यार। हम पढ़े लिखे लोग हैं, आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इस देश में बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है। बुद्धिजीवी का मतलब आप समझते हैं, जिसकी बुद्धि में छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं। इस देश में ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी। सर ने पहले बता दिया कि भूमिका नहीं बनाना, अब ये सारे इस बात को डर गए कि यार भूमिका नहीं बनाना। यार इनके कहने से आप क्यों डर गए? पूरा देश पत्थर फेंक रहा और अगला एक आदमी नहीं डर रहा, तुम जबरदस्ती डर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? इन्होंने कह दिया कि भूमिका नहीं, भाई भूमिका क्यों नहीं बनाना? बात ये नहीं, मैं बहुत छोटा कवि हूं, हालांकि ये आप पूरे देश दुनिया में घूमते रहते हैं, दिल्ली बंबई बेंगलोर हैदराबाद जाने कहां कहां जाते हैं, मैं कहीं भी नहीं गया हूं, मेरे घर से सीधा यहीं आया हूं, और यहां से वापस मैं मेरे घर चला जाऊंगा। नहीं अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर रोते फिरो क्या मतलब, अपन इधर उधर घूमते फिरो अपने घर के सामने, फिर दूसरे घूमते फिरे क्या मतलब, अपने को घर पे रहना जरूरी है। आज सारी समस्या खत्म हो जाए, बस आदमी घर पे रह ले। ये दुनिया में सारी समस्या क्यों पैदा हो रही? क्योंकि आदमी घर पे नहीं रह रहा है। आदमी को घर पे, और लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है सर, कवि सम्मेलन, कविता, मुशायरा, कविता, पोएट्री। सर बता रहे थे कि डायरेक्ट कविता सुनाना, आपने वेदव्यास जी को पढ़ा, आप पंडित हैं शर्मा जी, वेदव्यास जी दुनिया के बहुत बड़े पहले जिन्होंने महाभारत लिखी। वेदव्यास जी कहते हैं डॉक्टर साहब के, जिसमें वा रसो, जिस शब्द में रस टपकता है वह कविता है। क्या बात, क्या बात नहीं, मेरे पास यही है। भाई अपने को अपनी मार्केटिंग तो करना पड़ेगी ना, भाई अपने को अपना काम तो करना पड़ेगा, वरना आपने तो उठा सके ही क्या? 3 घंटे से सुन रहे हैं, बोले राहत साहब को सुनना है, राहत साहब को, अब उसमें हम क्या करें बताओ। मैं मानता हूं कि भाई इस सदी के रसखान के जगह डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के साथ बैठना मेरी उम्र डॉक्टर साहब को लगे, मेरा दोस्त बैठा सतलज, मेरी उम्र का मेरा दोस्त है, मेरे पिता तुल्य है, तो मेरा तो ये मानना है कि डॉक्टर साहब पर बाकी जिस दिन मालिक ऐसा होगा उस दिन हमें बड़ा गर्व रहेगा कि हम आने वाली पीढ़ी को कह पाएंगे कि यार तुम अभी नए नए आए हो, हमने डॉक्टर साहब के साथ खूब कवि सम्मेलन किया, खूब मुशायरे किया, बहुत बड़ा, और तो ये देश में एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा नाम है। पर मेरा ये मानना है कि अमिताभ बच्चन बड़ा है। अमिताभ बच्चन क्यों बड़ा है? नहीं पद बड़ा है इसलिए नहीं, वो इसलिए बड़ा है क्योंकि उससे छोटे बहुत सारे हैं। राहत साहब इसलिए बड़े हैं क्योंकि हम छोटे हैं, और इस बात को डॉक्टर साहब ने स्वीकार किया, इसलिए ये बड़े हैं। जो बड़े हैं वो बड़े ही हो, आपने सुना उनका शेर, जैसे दादा ने तो पूरा, अब क्या, अब ये भी क्या सुनाएंगे, मेरे को तो ये समझ में नहीं रहा, जब आपने सब कुछ सुना दिया तो क्या इस तरह का डॉक्टर साहब ऐसा कहते हैं, डॉक्टर साहब ऐसा कहते हैं कि 25 शेर तो पहले दिया आपने, क्या मैं हालांकि जानता नहीं हूं पर समझता सब, तो ऐसा कुछ भी नहीं। आप अपना कॉन्फिडेंस जिंदा रखिए। हमारे रविंद्र भाई कह रहे थे, बोले मैं बहुत छोटा कवि हूं, बहुत छोटा कवि, इस तरह की हरकतें कभी मत करा करो। अरे पागल समझता नहीं, इसको मालूम ही नहीं, अभी इंदौर में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ, एक कवि को बुलाया और वहां सारे बड़े कवि डॉक्टर साहब थे और हमारे बड़े संचालक सत्तन जी वगैरह और सारा हरिओम पवार वगैरह, तो उसने बोले मैं बहुत छोटा कवि हूँ, बहुत छोटा, उसने तो कह दिया, कहने के बाद अगले ने 500 रुपये काट लिए,
बोले छोटा है काटना, क्या मतलब है यार, इससे कटपीट हो जाता है, ऐसी हरकतें नहीं करना जिसमें कटपीट हो जाए। मतलब सारी 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 बात, मतलब मैं क्या है कि आपने शेक्सपियर को पढ़ा होगा, शेक्सपियर कहते हैं जो दूसरों को हंसाता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, बल्कि वो जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना लेता है। क्या बात है, हंसना बहुत जरूरी है यार, ये देश किस किस स्थिति से गुजर रहा है यार, किस 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 परिस्थिति से गुजर रहा है ये देश, और इस देश इस दौर के अंदर ऐसी स्थिति में भी अगर हम ऐसी बातें करेंगे। बिटिया ने इसने बताया, निशा ने बोले बेटिया बहुत बड़ा काम कर रही है, चांद पे जा रही है, और वहां पे जा रही, कोई कौन गया चांद पे, सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला दो गई, बाकी तो कवि सम्मेलन मुशायरे में जा रही, कहां जा रही दूसरी फुगट की बात है। सब जो एक बात बता रहे कोई कहे भी नहीं, बहुत बढ़िया क्या सर, हमारी भारतीय संस्कृति में कहावत थी, खाना खजाना और जनाना किसी को नहीं बताना, हमारी एक कहावत थी जो गांव की बातें कर रहे हैं पंडित जी, गांव में ऐसी कहावत चलती थी, खाना खजाना और जनाना किसी को नहीं बताना, खाना अपन खड़े खड़े बफेट में खा रहे हैं, खजाना है ही नहीं जो बताएं, और जनाना यानी भारतीय नारिया, भारतीय नारी जो पर्दे की चीज हुआ करती थी वो आजकल रैंप पे चल रही है, और उसमें कॉम्पिटिशन, उसमें कॉम्पिटिशन है कि तेरे से ज्यादा सुंदर मैं, ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा, तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती, विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का दौर चला, मेरी माता बहने बैठी हुई है यहां पर, इस दुनिया में नग्नता जो हमारे घरों तक, मुंबई से निकलने वाली नग्नता हमारे घरों तक पहुंची, 2 लाख रुपए मिले देश, कितने बड़े गीतकार बैठे हुए वहां, 2 लाख रुपए में एक गीतकार गीत लिख देता है जोरा जोरी चने के खेत में, उस माधुरी दीक्षित ने चने का खेत नहीं देखा, उस गीतकार ने चने का खेत नहीं देखा, शास्त्री जी कहते हैं जय जवान जय किसान, ये हिंदुस्तान उन जवानों का है, उन किसानों का है, वो 2 लाख रुपए में जोरा जोरी चने के खेत में लिखने वालों का नहीं है, उस बेवकूफ माधुरी दीक्षित को पता नहीं है कि चने के खेत में जोरा जोरी नहीं हो सकती है, नहीं चने के झाड़ की साइज ही है उसमें जोरा जोरी कैसे करेंगे, उसे पता ही नहीं है, वो अश्लीलता हमारे घरों तक पहुंची, एक पप्पी तो मुझको उधार देते बदले में यूपी और बिहार ले ले, क्या गीत लिख रहे हैं आप, एक पप्पी के बदले पूरे के पूरे प्रांत दे दिए, मैंने कहा तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में वो बिहार का बॉस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा, माना के करिश्मा कपूर तू बहुत है चतुर, पर अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ी है, इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ी है, ये लालू प्रसाद विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, और जिसने पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ा तेरा गोरा गाल छोड़ देगा, चोली के पीछे दिल बताने वाले सुभाष गई सावन कुमार माधुरी दीक्षित, शायद ये सृष्टि इसलिए हरी भरी रही होगी कि माँ के आंचल से दूध नहीं अमृत बरसा होगा, और माँ तेरी गोद में खेलने के लिए इंसान क्या भगवान भी तरसा होगा, भगवान तरसता है यहाँ पर आने के लिए, ये अश्लीलता यहां तक दुनिया में, नग्नता सिर्फ दो ही अच्छी लगती है सर, या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में एक नन्ना बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है, या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन, भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूरत क्या होगी, और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी, या फिर वो नग्नता अच्छी लगे। वाह वाह, अब हमें पता ही नहीं, अब आप कह रहे हो कि भूमिका नहीं बनाना, इसे ये भूमिका नहीं बनाए तो क्या करें बताओ, भूमिका इसलिए नहीं बनाना क्योंकि भूमिका बनाने में कई बार नुकसान हो जाता है, जैसे दीपिका पादुकोण ने भूमिका बनाना शुरू करी बिचारी गलत जगह चली गई, कई बार ऐसा होता है वो, अच्छा उसके भाग्य ही खराब, डॉक्टर साहब इतनी सर्दी में छपा ये छपाक गर्मी का सिस्टम था, गर्मी में अगर छपाक होती तो ठीक रहती, अब सर्दी में छपाक क्या मतलब रहा, और इस देश के अंदर तो ऐसा ही होता है साहब, कोई मतलब नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, हम विश्वास किस पे करें, किस पे विश्वास करें, चैनल वालों पे, मीडिया वालों पे, अखबार, किस पे विश्वास किया जाए, घर में टीवी देखने के लिए बैठो चैनल चालू करो, देश की जीडीपी गिर गई, देश खत्म हो गया, देश की जीडीपी गिर गई, जीडीपी गिर गई, आधे सेकंड का खेल है, चैनल बदल दो जीडीपी उठ जाएगी भैया, तो ये गिरा रहे हैं,
आप मतलब इंडिया टीवी वाले के यहाँ से प्याज खरीदने के लिए क्यों जा रहे हो? चैनल वालों से प्याज मत खरीदो, बाजार में जाके खरीदो। बाकी ऐसी कोई स्थिति नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे इस बात का गम है। 2 मिनट की एक कविता सुना देता हूँ, बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना, बहुत शानदार। मैं आपको पहली बार बुरहानपुर में, मैं जैसा कि इन्होंने बताया कि पहली बार ये आए हैं, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हमको बुलाया ही पहली बार। भाई मैं क्या कर सकता हूँ, पिछली बार भाई साहब का फोन आया था, मैं आ नहीं सका, क्षमा चाहता हूँ। मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी तो मैं आ नहीं सका, ये बात इनको पता नहीं थी, क्योंकि वो मेरे पिताजी थे इसलिए मेरे को पता, और ये मेरे पिताजी की ईमानदारी थी कि वो मेरे पिताजी हैं। कई सारी बात सुनिएगा, बहुत आप हंसते हुए सुन लो। मेरा एक मानना है, इस दुनिया में सबसे बड़ी, सबसे बड़ा आर्ट, दुनिया के सारे शास्त्र, 6, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, रामायण, बाइबिल, कुरान, सब सब पढ़ लो। मैं बहुत बड़ा विद्वान आदमी तो नहीं हूं, पर इतना जरूर जानता हूं कि जो आदमी अगर अपने जीवन में हंस नहीं सकता, वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। क्या बात, बहुत बढ़िया। आपको हंसना बहुत जरूरी है, आ जाइए बैठ जाइए भाई साहब, आप आराम से आके बैठो यार। मैं यही कह रहा था, सोच रहा था कि हम बार बार बाहर क्यों जा रहे हैं, हमें बाहर नहीं जाना है यार। लोग भले कितना ही धक्का देके पहुंचा के बाहर जाओ, पर अपने को बाहर नहीं जाना, अपने को यही रहना है। क्या बात, क्या जबरदस्ती के नाटक कर रहे हैं, बोले भागो, कोई भी नहीं भागेगा, सब यही रहेंगे और सब यही चल रहा, बढ़िया चल रहा, प्रेम से चल रहा। मेरी एक कविता सुनिए, मैंने इससे बढ़िया कोई कविता वर्तमान सब्जेक्ट पे के लिए मैंने कविता लिखी। बैठना तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको जाना है, आप एक एक करके जाइए, 10-10, 20-20, 5-5, 7-7 लोग एक एक साथ जा रहे हैं। आप जनरल डायर ने जलियांवाले बाग के अंदर गोलीकांड किया था, सैकड़ों लोग मर गए झुंड के झुंड, कौन कौन मरा उनके नाम अभी तक मालूम नहीं है। भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ये सब एक एक करके गए, पूरा देश उनको पूज रहा है। आपको जाना, आप एक एक करके जाइए, आप झुंड के झुंड, 5-5, 7-7 जन, आप आराम से, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं, आराम से जाइए। और किसी के बहकावे में मत आओ, हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान के लोग बहकावे में आवे हो मत, कौन क्या कह रहा है और कौन क्या कह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। जबरदस्ती अखबार वाले, मीडिया वाले, चैनल वाले, जयपुर में बम फटा, बेंगलोर में बम फटा, हैदराबाद में बम फटा, वहां पे बम फटा, बेवकूफों को पता ही नहीं 10-20 दिन में बम फट रहे हैं। उन बेवकूफ आतंकवादियों को भी, वो भी बेवकूफ है, उन्हें पता ही नहीं कि हमको इतनी प्रैक्टिस हो गई कि अगर 10-20 दिन तक नहीं फटे तो आदमी खुद मोबाइल करके पूछ ले, बोले उधर फटा रहा, बोले उधर तो नहीं फटा, बोले उधर फटे तो मेरे को फोन करना, बहुत दिन से फट ही नहीं रहे अब तो। और इसमें इतना लोट लेने की क्या जरूरत है यार, बम फट गया, बम फट गया, मार चैनल वाले, बम फटा, बम फट, यार वो क्यों फटा? बात ये नहीं है सर के बम फटा, बात ये है कि वो क्यों फटा। वो इसलिए फटा क्योंकि वो बम था। अब इसमें इतना पोपो गंडा करने की क्या जरूरत है यार, बम फट गया, अरे भाई बम है तो फट गया, इसमें कौन सी नई बात, वो फटी तो नहीं ना, बम था तो फट गया। और उस बम से पूछो ना कि तू क्यों फटा, उस बम से पूछो कि भाई तू क्यों फटा। उस बम की प्रॉब्लम यह है कि उस बम के मुंह में जुबान नहीं, और मान लो अगर बम के मुंह में जुबान होती और वो बोलता तो सुनता कौन? नहीं, आप ऐसे ध्यान से, अगर बम बोलेगा तो सुनेगा क्या कोई? और मान लो अगर किसी ने हिम्मत करके सुन लिया तो वो बोलने जैसा नहीं बचेगा। और मान लो अगर वो बम बोलता तो बुरहानपुर के बहुत अच्छे लोगों, शायद अगर बम बोलता तो वो बोलता कि मुझे इस बात का गम है कि मेरा नाम बम है, मैं जब जब भी फटा हूं खुद की नजरों में घटा हूं, मैं हर बार यूं ही छला गया हूं, बिस्मिल के हाथ से निकला और हिजबुल के हाथ चला गया हूं। क्या बात है, वाह, बम कहां से निकला और कहां तक गया? उसमें समस्या दूसरी है शर्मा जी, समस्या यह कि आधे लोग हिजबुल को नहीं जानते, आधे लोग बिस्मिल को नहीं जानते। बम बेचारा बीच में फंस गया, दबाव पड़ा तो फट गया, दबाव भी इतना बम पे उसको फटना पड़ा। मुझे इस बात, सुनिएगा मैं आधे मिनट की कविता, कितना टाइम हो गया लगभग, मेरा टाइम तो पूरा हो गया अब तो। मैं तो टाइम नहीं दे, मैं तो 2 घंटे तक बोलता हूँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पर अभी सुनेगा कि ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, एक कविता सुन लीजिएगा, नई कविता शर्मा जी, आप पहली बार सुनेंगे? जी जी। और अगर इसके पहले भी आपने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हो आप, क्योंकि आप मोबाइल के साथ हाव भाव बना रहे हो, इधर नहीं बना रहे हो।
ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र। ये यार जो देश में ये हिंदू मुसलमान और ये सारी फोगट की जो बातें, मैं इसके विपरीत हूँ। भाई ने बताया गांव, यार हम छोटे से बड़े डॉक्टर साहब के सामने हुए हैं यार। हम जहाँ रहते हैं कहाँ बैठते हैं, जबरदस्ती का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। तो मैंने ये कहा है कि यार अंधेरा थोड़ा ज्यादा था, कुछ आतंकवादियों ने उन पति पत्नी को पकड़ा और माउजर लगाया। बोले ये बता कि तू हिंदू है कि मुसलमान। उसने कांपते हुए कहा, बोले मैं मुसलमान। बोले मुसलमान है तो फिर कुरान की आयत सुना। उसने सुना दी, ओम भूर भूर सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आतंकवादी ने कहा, बोले तुम जा सकते हो। मैं 3 मिनट की छोटी सी कविता सुना रहा हूँ, इस देश को कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा। आतंकवादी ने कहा, बोले तुम जा सकते हो। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी पत्नी ने बाबा से कहा, बोले अगर इन आतंकवादियों को ये पता चल जाता कि ये कुरान की आयत नहीं गायत्री मंत्र है तो ये हमें गोली मार देते। उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया, सर क्या बढ़िया बात कही। उसने कहा, बोले इन बेवकूफ आतंकवादियों ने ढंग से अगर कुरान पढ़ी होती तो क्या ये आतंकवादी होते। क्या बात, क्या बात। मैं कविता शुरू कर रहा हूं, छोटी कविता। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र। तू भूलने का इतना आदि कैसे हो गया है, शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए जिहादी हो गया है। माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। नवाज शरीफ का जन्म दिल्ली में हुआ है, ये पाकिस्तान तो था ही नहीं ना, जब सब कुछ तो यही हुआ। माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है, इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है। तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू घूमा है, ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है। इस गांव के गलियों के चबूतरे पे तूने कई रातें काटी है और तुझे पता ही नहीं यार ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। क्या बात, क्या बात। मैं पंक्ति पढ़ता हूँ बुरहानपुर के बहुत अच्छे लोगों, शायद आपने पहली बार ऐसी कविता सुनी। मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूँ कि ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है, तुतलाती जवान पर भारत माता की जय और मन में प्यारा वतन था। पहली बारिश में तू भींगा तो मेरा कमीज और तेरा बदन था, वो खुशी के दिन पता नहीं क्यों अब गम में बदल चुके हैं, और चुराए थे चुपके चुपके जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों यार अब वो बम में बदल गए हैं। क्या बात, वो बम में बदल चुके हैं। मुझे देना सुनना के पता नहीं क्यों वो बम में बदल गए हैं। यार कैसे भूले वो सावन के झूले जो साथ साथ में झूले, वो आवारा गिरदी की बातें, वो कप कपाती सर्दी की रातें, वो रोज रोज स्कूल में बुखार का बहाना, नदी पर जाकर के नहाना, और खुशियों के वो दिन भी देखे थे जब चोरी से अमरूद मैंने तुम्हारी तरफ फेंके थे। क्या बात है भाई, वाह। मैं शायद बुरहानपुर में पहली बार पढ़ रहा हूं, मुझे लगना चाहिए मैंने कविता कह दी है कि खुशियों के वो दिन भी देखे थे। इतने कितने मैसेज देखे थे भाई साहब। नहीं फोटो की इसको बंद, इतने कितने मैसेज खुशियों के वो दिन भी देखे। मैं थोड़ा मजेदार आदमी हूँ, सुमड़ा जैसा मैं रह नहीं सकता हूँ। ये सारी फोगड़ी अपने को अपने हिसाब से मस्त रहना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, बढ़िया, शानदार। खुशियों के वो दिन भी देखे थे यार, कैसे भूले वो सावन के झूले जो साथ साथ में झूले, वो आवारा गिरदी की बातें, वो कम कपाती सर्दी की रातें, वो रोज रोज स्कूल में बुखार का बहाना, नदी पर जाकर के नहाना, और कसम खाई थी साथ साथ मरने जीने की, क्या आदत बिगड़ी थी यार बाबूजी की जेब से बीड़ी चुरा कर पीने की। क्या बात, क्या आदत बिगड़ी थी यार। क्या बात, आपके हाथ खामोश न रहे, मुझे आशीर्वाद दे, बड़े मंच पे पढ़ रहा हूँ। क्या बात, क्या आदत बिगड़ी थी, क्या आदत बिगड़ी थी बाबूजी की जेब से बीड़ी चुरा कर पीने की, और खुशियों के वो दिन भी देखे थे जब चोरी से अमरूद मैंने तुम्हारी तरफ फेंके थे, और पत्तों की सरसराहट से रमतू काका जाग गया था, उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया था। वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई, और पता नहीं अब आ गया है तू किसकी बातों में, बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। क्या बात है, क्या बात। आपकी तालियां कमजोर है मेरे दोस्त। वाह, बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। यार
यार उम्र में तू बहुत छोटा था, उम्र में तू कितना छोटा था मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने उसको देखा नहीं, पर वो माँ की उंगली पकड़ करके चलता था, मतलब राहुल जी की उम्र के बराबर रहा होगा। एक बात बता रहे भाई, बता रहे साहब भाई जी, लोगों को समझ में नहीं आती है, मतलब चौकसे जी मैं आपको बताऊं क्या है कि कई बार लोग ये सारी समस्या इसलिए पैदा होती है कि जो चीज जहाँ होना चाहिए वहां नहीं होती और दूसरी जगह चली जाती है। जो ताकत जो पावर दिग्विजय सिंह जी में राहुल जी में आना था वो दिग्विजय सिंह जी में चला गया जो चीज जहाँ आना थी वहां नहीं, दूसरी जगह चली जाती है और जानकारी में नहीं। अभी रुद्रपुर से खाट यात्रा शुरू करी थी राहुल जी ने, खाट यात्रा आपने देखी 1600 खाट लगाए, प्रोग्राम के पहले खाट गायब हो गए। अच्छा राहुल जी को इस बात की जानकारी नहीं कि खाट पे से समस्या का हल नहीं होता है। हंसने की बात नहीं, आदमी खाट पे गया कि समस्या खड़ी होती है। अब राहुल जी को इस बात की जानकारी नहीं, उसका कारण ये नहीं, उसका कारण ये कि राहुल जी का खुद का काम कभी खाट से पड़ा ही नहीं। जिस समस्या का समाधान राजघाट से करना था, हम राजघाट से चले खाट तक आ गए। राजनीतिक स्थितियां देखो साहब बड़ी विकृत, मैं कविता अधूरी रह जाएगी, सुनिएगा कि उम्र में तू बहुत छोटा था, उम्र में तू बहुत छोटा था, तेरी मौसी के घर से ही लौटा था। क्या खून खराबे होंगे इस देश के अंदर मेरे भाई, क्या फोगट का नाटक बना रखा है, क्या इस देश के अंदर ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। पंक्ति सुनना, ये वो हिंदुस्तान है कि उम्र में तू बहुत छोटा था, तेरी मौसी के घर से ही लौटा था, और अकस्मात जब बीमार पड़ा तो छूट गए तेरे हाथों के वो गिल्ली डंडे, वो उछलना कूदना वो हथकंडे, तब मेरे दादाजी ने डाले थे तेरे गले में ताबीज और गंडे, मेरे घर वालों ने तेरे नाम पर कितना संताप किया था, और पागल तुझे पता ही नहीं मेरी माँ ने तेरे नाम पर महामृत्युंजय का जाप किया था। क्या बात क्या बात, पड़ोसी बीमार ना हो यार, ये वो देश है। और मैं कविता को छोटी करके जल्दी खत्म कर रहा हूँ। अलगू चौधरी की बातें, सांझ ढले पीपल तले, तुलसी की गिरवा के नीचे दीपक जले, कच्ची पक्की दीवारों पर संजा की बनी हुई आकृति, पग पग पे बिखरी जहां प्रकृति, सांझ ढले संजा के गीत गाती बच्चिया, तेरी बंदूक की आवाज से डर जाएगी, और मत फैला यार ये बारूदी धुआं, अपने गांव की तितलियां मर जाएगी। क्या बात है क्या बात है, तितलियां मर जाएगी, और तेरे आने की उम्मीद में अभी भी कागा, तेरे आने की उम्मीद में अभी भी कागा बोलता है नीम के पेड़ पर, प्राणों को पुतलियों में ले हुए पिताजी बैठे हैं खेत की मेड़ पर, सुनहरी धूप निकली है गांव में पापी बदन को सेकने के लिए, और कंठ में प्राण लिए हुए माँ बैठी है एक बार तेरा मुंह देखने के लिए, एक बार तेरा मुंह देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, हो आपकी। हेलो, हाँ बुला रहे जॉनी भाई, जॉनी भाई नहीं, मैं नहीं जा रहा था, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, इसको मैनेजमेंट बोलते हैं, टाइम का मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आप जानते हैं सर, जानते होंगे, इतना बड़ा कवि सम्मेलन इतने कम पैसे में ये क्या है, ये मैनेजमेंट है, कम समय में अच्छा काम कर देना, मैनेजमेंट, कम समय में अच्छा काम कर देना, बड़ा काम कर देना। बड़े काम के लिए जा रहे हो क्या? मुझे पता है वो काम बहुत बड़ा है मेरे दोस्त, क्या बात कर रहे हो आप भाई। इस टाइम पे जो भी उठ उठ के जा रहा है ना, वो बड़े काम के लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, भू जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व देह शरीरा। आप विद्वान लोग बैठे हुए पंडित जी, पंच तत्व देह शरीर, इतनी देर वापस भूल गए क्या? मैं कह रहा हूं भू जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से मिलकर के यह शरीर बना है, और पंच तत्व में यह शरीर विलीन हो जाएगा, इसलिए अगर 1.5-2 घंटे तक यहाँ पर बैठे हैं तो अपने को बीच बीच में उठना चाहिए, ताकि एक तत्व से अपन छुटकारा पा सकते हैं। मैं बात दूसरी कह रहा था, आप समझ नहीं पा रहे, मैं दूसरी बात कह रहा था, सुनिएगा। मैं ये कह रहा था कि भूल करके भी चली मत जाना। आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई, दोनों बहुत प्यारे। एक तो क्या है, मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे ज्यादा झूठ यहीं बोला जा रहा है, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और झूठ यहाँ बोला जा रहा है, और ऐसा इमोशनल किया जाता है, ऐसा भावुक किया जाता है। अभी 8 दिन पहले मैंने कवि सम्मेलन करवाया, एक कवि उधर उत्तर प्रदेश से आया, मैंने कहा कितने पैसे लेगा भैया, बोले 25,000। मैंने कहा
10-12 में खुटाया उसको, और फिर आके बोले, डॉक्टर साहब बोले मैं भगवान श्री कृष्ण की सर जमी से आया हूँ, जरा एक बार ताली बजाए। मैंने कहा यार कृष्ण भगवान का इसमें क्या रोल तेरा, तू आया तो तेरी कविता सुना, भगवान से क्या लेना देना इसमें, आदमी ऐसा इमोशनल, मेरे ये बैठे हैं वो बैठे, तो मैं इस तरह की बातें, मैं बड़ा मस्त मिजाज का आदमी हूँ। एक छोटी सी कविता और मेरी सुन लीजिएगा, नई कविता है, मैंने उन जवानों के सम्मान में बिटिया ने बहुत अच्छी कविता सुनाई थी, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे, ये 2 घंटे की कविता हो सकती है, वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम, इसको आप गाया जाओ। धरती बोले वंदे मातरम, आसमान बोले वंदे मातरम, जमीन बोले वंदे मातरम, चिड़िया बोले वंदे मातरम, फलाना बोले वंदे मातरम, ढिमका बोले वंदे मातरम, नीचे तपती धरा ऊपर सूर्य भगवान। छोटी सी कविता है, 2 मिनट की सुन लीजिएगा। नीचे तपती धरा ऊपर सूर्य भगवान, बीच में खड़ा एक सरहद का जवान, और सरहद पर तिरंगा लहराता है, वह जवान तिरंगे को देखता है। सुनिएगा कि ये तिरंगा यूं ही लहराता रहे, ये तिरंगा यूं ही लहराता रहे, उसकी रक्षा करना ही वो अपना काम समझ बैठा। अगली पंक्ति पे समर्थन चाहूंगा, ये तिरंगा यूं ही लहराता रहे, उसकी रक्षा करना ही वो अपना काम समझ बैठा, और भला उसे फुर्सत कहां थी संतों के उपदेश सुनने की, वो उसी को अयोध्या का राम समझ बैठा। क्या बात है, क्या बात, वाह भाई, बहुत भला उसे फुर्सत कहां संतों के उपदेश सुनने की, वो उसी को अयोध्या का राम समझ बैठा। और सुस्ताना चाहता हूं थोड़ी देर तिरंगे में तेरी छांव में, मेरी छाती के छाले जो उतर आए हैं पांव में, पता नहीं क्यों मेरी आत्मा घुटने लगी है, जब से सड़क छाप लोगों की उंगलियां सरहदों पर उठने लगी। क्या बात है, क्या बात, पता नहीं क्यों मेरी आत्मा घुटने लगी है, जब से सड़क छाप लोगों की उंगलियां सरहदों पर उठने लगी है। अरे भूख लगी तो मैं भूखा रहा, प्यास लगी तो पानी समझा मैंने दुश्मन के खून को, पर ठंडा नहीं होने दिया कभी अपने जुनून को, नींद आई तो माथा टिका कर सो गया मैं बंदूक की नाल पर दाग नहीं लगने दिया मैंने कभी भारती के दैदीप्यमान बाल पर। क्या बात, वाह, सुनिएगा के मैं तो कब से भूल चुका था वो बचपन की बातें, वो गुलाबी ठंड से महकती हुई रातें, रोज रोज भोजन के वक्त रूठना एठना, और पिता की पीठ पर घोड़ा बना करके बैठना, मोहल्ले में मकर संक्रांति पर पतंग से पेंच लड़ाना, दादी माँ की परी रानी की कहानी को आगे बढ़ाना। मेरे बचपन की वो अधूरी कहानी कहीं भटक गई है, और मोहल्ले में कटी मेरी पतंग जो सरहद पे जाके अटक गई है। क्या बात है, क्या बात, मोहल्ले में कटी मेरी पतंग तो सरहद पे जाके अटक गई है। और मुझे विदा करना, 4 लाइन जवानों के लिए, क्रिया की प्रतिक्रिया थोड़ा अलग टाइप से मैंने लिखने की कोशिश की है। देश के बहुत बड़े बड़े शायर नईम साहब की सरजमी में आपका आशीर्वाद, पहली बार सर आपके आशीर्वाद मुझे मिले, डॉक्टर साहब का आशीर्वाद तो मुझे बचपन से मिलता रहा, और कवि तो इस मंच पे यही हैं 2 बड़े, परंतु क्या है कि वो दोनों को एक साथ नहीं पढ़ा सकते ना बड़े को, तो बीच में मेरे को खड़ा कर दिया, वरना तो नईम साहब और भी डॉक्टर साहब थे दोनों ही, तो मैं बीच में खाली ऐसे ही मतलब निर्मा के साथ में वासिंग फ्री, बाकी और कुछ भी नहीं। यार बचपन की वो बातें, और सुनिएगा कि घर लौटते वक्त स्कूल से एक लड़का वो है, उसने कहा बोले ये सरहदों पे के जो जवान है आए दिन ऐसा ऐसा हरकतें करते रहते हैं, तो जवानों के लिए अगर कोई भी बोलता है तो गलत बात है, वो जवान है, उनकी वजह से हम यहाँ पर बैठे हुए, हम यहाँ पे खड़े हुए। तो सुनिएगा, बहुत जवानों के लिए अगर इस तरह की बातें की जाए, कन्हैया कुमार जैसे बोले ये सरहद पर जो जवान खड़ा है ये रेपिस्ट है, आए दिन रेप करते रहते हैं, क्या सरहद का जवान रेप कर सकता है। मेरे 4 पंक्ति से मुझे विदा करना। सुनिएगा कि मैं प्यार मोहब्बत की कविता लिखता नहीं हूँ, मैं करता हूँ, सुनिएगा करने में ज्यादा विश्वास रख लो, प्रैक्टिकल और मोहब्बत ही सत्य, बाकी सब डुप्लीकेट बातें सब। घर लौटते वक्त स्कूल से अक्सर चिढ़ाया करते थे हम उसे गुलाब के फूल से, उसे देख करके अकड़ना, अकड़ करके तितली पकड़ना, पकड़ करके छोड़ देना, और उसी के एक जवान लिखता है सर के मैं मुझे रेपिस्ट कहा गया, वो सरहद का जवान क्या रेपिस्ट, उसने उसने कहा कि घर लौटते वक्त स्कूल से
अक्सर चिढ़ाया करते थे उसे गुलाब के फूल से, उसे देख करके अकड़ना, अकड़ करके तितली पकड़ना, पकड़ करके छोड़ देना और उसी की कॉपी से कागज फाड़ नाव बनाकर पानी में छोड़ देना। इन रोज रोज की हरकतों से वो भी उब चुकी होगी और ये तो वही जाने वह नाव तैर भी रही है या डूब चुकी होगी। क्या बात, ये तो वही जाने ये नाव तैर भी रही है या डूब चुकी होगी। और मैंने भी जो लिखी चिट्ठियां उसके नाम की, अगली पंक्ति पे पूरा सदन मुझे आशीर्वाद दे विदा करना, उस जवान ने लिखा के मैंने जो लिखी, निशा मैंने नहीं उसने, मतलब खाली ये कविता में ऐसा बोलना पड़ता है उसकी तरफ से, नहीं तो ये समझे कि इन्होंने लिखी और मैंने तो ली नहीं, क्या मतलब रहा था। मैंने भी जो लिखी चिट्ठियां उसके नाम की, मैंने भी जो लिखी चिट्ठियां उसके नाम की अभी भी किताबों में पढ़ी मिलेगी। अगली पंक्ति शायद आपको समझ में आ जाए, कविता अगर समझ जाए तो मुझे आशीर्वाद देना, ना भी समझ में आए तो भी आप ताली बजा देना ताकि मेरे को मुगालता बना रहे। मैंने भी जो लिखी चिट्ठियां उसके नाम की अभी भी किताबों में पढ़ी मिलेगी और मार कर दुश्मन को जब भी लौटूंगा मैं अवध में वो प्रतीक्षारत उर्मिला खड़ी मिलेगी, वो प्रतीक्षारत खड़ी मिलेगी। वाह 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 भाई जान। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन, नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक की फुल HD क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए बाकी।